यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर प्रदेश पुलिस में 41,520 पदों के लिए 860 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार की सुबह 10 बजे से सिपाही भर्ती शुरू हो गई। परीक्षा के दौरान सघन चेकिंग की गई। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने चिन्हट और गोमती नगर के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया। 41,520 सिपाही भर्ती के पदों के लिए 22.67 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दो पालियों में होने वाली ऑफलाइन परीक्षा की शुरुआत सोमवार को पहली पाली 10 बजे से शुरू हुई जो 12 बजे तक चली, तो वहीं दूसरी बार परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक हुई। और वहीं इन परीक्षाओं को के दौरान DGP ओपी सिंह ने औचक निरीक्षण किया और इस मौके पर उनके साथ SSP दीपक कुमार भी मौजूद रहे। तो लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है जहां पर DGP ने औचक निरीक्षण किया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर SSP दीपक और SP अनुराग भी मौजूद रहे और साथ ही पुलिस भर्ती चल रही है और इसी दौरान दो जो है शिफ्ट में दो शिफ्ट में परीक्षाएं हुई और इसके साथ ही इस मौके पर SSP दीपक और SP भी मौजूद रहे जिन्होंने परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। तो DGP ने औचक निरीक्षण किया परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर। तो आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है, पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और इसी मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए DGP मौके पर पहुंचे।